हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो एफएमसी 2022 का सफर यहीं तक खत्म होता है, ऑलमोस्ट यहीं पर खत्म होता है। अब यहां से स्टार्ट होती है एफएमसी 2023 की जर्नी, या फिर मैं ऐसे कहूं नीट 2023 की जर्नी। क्योंकि अगर आपको ये बात अच्छे से मालूम है, एफएमसी का अगर आपको जाना है तो नीट एक लौता जरिया है, और नीट में अगर आप एक अच्छा स्कोर क्रॉस करते हो, यानी कि कट ऑफ मार्क्स स्कोर करते हो, तभी आपको एफएमसी में जाने का मौका मिलेगा। तो नीट इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस वीडियो में हम फाइनली देखेंगे कैसे आपको यहाँ से प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि अभी नवंबर का मंथ ऑलमोस्ट आ चुका है और ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आपके नीट की डेट उतनी ज्यादा लेट नहीं होगी, जुलाई तक नहीं जाएगी, थोड़ी जल्दी हो जाएगी। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि मई फर्स्ट तक आपका नीट एग्जाम हो जाएगा। तो आपको यहाँ से किस तरह प्रोसीड करना चाहिए उसको देखेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या रह सकते हैं एफएमसी का कट ऑफ 2023 के लिए, पिछले साल के कट ऑफ को देखते हुए। बट हमें सिर्फ कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कट ऑफ 605 मार्क्स है तो आपको सिर्फ 6.6 मार्क्स स्कोर नहीं करना है, आपको उससे काफी ज्यादा स्कोर करना है। क्योंकि सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करके आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना है, जहां पे जाने के बाद आप आराम से बिना चिंता के रह सकते हो कि आपको एफएमसी पक्का मिल जाएगा। अगर आपको एफएमसी के अलावा कोई और भी कॉलेज चाहिए तो आपके स्कोर काफी बढ़िया रहना चाहिए। और सिर्फ स्कोर ज्यादा होने से इसका फायदा नहीं है, बल्कि स्कोर ज्यादा होने से आपका एफएमसी, अगर आप एफएमसी के बारे में सोच रहे हो तो स्कोर ज्यादा होने से आपका एफएमसी में काफी ज्यादा फायदा है। क्योंकि अगर एफएमसी की स्कोर की बात करूं तो किस तरह से काउंट होता है, आपके नीट के मार्क्स को 1/4 किया जाता है। तो अगर आपका नीट का मार्क्स काफी ज्यादा है तो आपका 1/4 उसके बाद भी काफी ज्यादा मार्क्स रहेंगे। आपके 720 1/4 किया जाता है तो वो जाता है 180 मार्क्स। फिर टॉलर 80 मार्क्स का होता है, उसको 1/4 किया जाता है तो हो जाता है 20 मार्क्स। तो 180 और 20 हो गए 200 मार्क्स। फिर इसमें 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, इसलिए इंटरव्यू काफी ज्यादा स्पेशल बोला जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है। क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स 1/4 नहीं होते हैं, जबकि आपके नीट के मार्क्स और आपके टॉयलेट के मार्क्स 1/4 जाते हैं, इसलिए उनको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, बट श्योरली उनके मार्क्स काउंट होते हैं। तो आपके इंटरव्यू के 50 मार्क्स होते हैं, आपके नीट के एग्जाम के 180 और आपके टॉयलेट के 20, टोटल 250 मार्क्स का आपका एफएमसी का एग्जाम होता है। तो आपके नीट के मार्क्स में आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छी बात है। आखिर हम देखेंगे क्या कट ऑफ रह सकता है। अभी स्टार्ट करते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के साथ। और हाँ, मैंने एक चीज सोची है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो। मैंने ऐसा सोचा है कि हम लोग एक तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। आप अपनी प्रिपरेशन अपनी जगह पे कर रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पर भी आप एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा, मैं पीवाईक्यू लूंगा, पीवाईक्यू जो एग्जाम में आ चुके हैं, प्लस मैं खुद से उस चैप्टर के एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि पहले पीवाईक्यू में नहीं आए हैं, या फिर पीवाईक्यू में आ चुके होंगे, बट मैं उस एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेकर आऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 25 क्वेश्चंस रखता हूं तो 15 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से लूंगा और बाकी 10 क्वेश्चंस अपने आप से उस एनसीईआरटी के अंदर से निकाल के लाऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अपनी तरफ साइड में चलती रहे। साथ में यहाँ पर आगे आप 2x में वीडियो देख लेना, मगर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपकी एक तरीके से यहाँ से प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो आप बताना आपको ये आइडिया कैसा लगता है, हम इस सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा बूस्ट हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, जो लोग क्लास 11th में, उनको अभी कुछ नहीं करना है, जो उनको बताया जा रहा है, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, उसी को फॉलो करो। और सबसे ज्यादा मेन फोकस रखना अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के पीछे, क्योंकि क्लास 11th में कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। अगर आप क्लास 12th में चले जाओगे तो आपको लिए काफी सारी चीज स्किप करा दी जाएंगी, ये बोलते कि आपने क्लास 11th से पढ़ लिया है। अगर आपने क्लास 11th में काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाए तो आपको क्लास 12th में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको बाद में बैकलॉग लगता है, वापस आगे क्लास 12th का पढ़ते हो, बहुत सारी बुरी चीजें होती है। तो क्लास 11th में, मैं जानता हूँ इसमें काफी सारा टाइम लगता है, आपको काफी सारा टाइम लगता है, आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यही करना है आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। जो क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे उन क्वेश्चन को करो, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसको अच्छी तरह फॉलो करो, आपको क्वेश्चन देते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करो। अभी आपको नीट नहीं देना है, आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, और जो मॉक्स आप नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो चैप्टर के बाद वाले, उसको सॉल्व करते रहो। जो आपको टीचर जैसा आपको बता रहे हैं उसी तरीके को फॉलो करते रहो। बट जिन लोगों को भी क्लास 12th है उनको भी नीट का एग्जाम देना है, और ऐसा मान के चलते कि आपका एग्जाम रहेगा मई फर्स्ट आपको मान के चलते हैं, तो उससे आगे डेट रहती है, तो आपके लिए काफी बढ़िया बात है। और जैसा मैंने क्लास 12th वालों के लिए पहले कहा हुआ था कि अभी तक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी होनी चाहिए और अभी तक ऑलमोस्ट खत्म होनी चाहिए, आपका फाइनल दिसंबर मंथ तक ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए। आपको पूरा कोर्स क्लास 12th का कोशिश करना दिसंबर तक खत्म हो जाए, क्योंकि आपको एट द एंड 3 महीने मिनिमम चाहिए रहते हैं मॉक्स और रिविजन के लिए। 3 months मिनिमम चाहिए आपको मॉक्स और रिविजन के लिए, ताकि आप एक जाके लास्ट में एक बहुत अच्छे स्कोर पे जाके फिनिश करो। अगर आप लास्ट ईयर 3 months नहीं रहते हो, मिनिमम 2 months ही रहते हैं, अगर आप 3 months रखते हो तो आपके लिए काफी बढ़िया बात है। तो कोशिश करना दिसंबर या फिर हास्टली जाके जनवरी तक आप अपने पूरे चैप्टर या कोर्स को खत्म कर लो। अगर आपके स्कूल में काफी स्लो चल रहा है, फिर किसी क्वेश्चन में काफी स्लो चल रहा है, तो कुछ चैप्टर्स आप खुद से ही पढ़ सकते हो, यूट्यूब की मदद से या फिर किसी और चीज की मदद से। तो कोशिश करना आप अपना पूरा कोर्स
दिसंबर तक या फिर जनवरी तक पूरी तरह फिनिश कर लो और साथ में इनके क्वेश्चंस भी करते रहो ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। आखिर के 3 महीने में जाकर अपना कोर्स कंप्लीट करने जाओगे तो काफी ज्यादा पीछे हो जाओगे, तो कोशिश करना अपनी कोर्स को जनवरी या फिर दिसंबर तक फिनिश करने की। इसके बाद से आपके रिवीजन और आपके वॉक स्टार्ट होने वाले रहेंगे। और हाँ, एक बात काफी सारे लोग की बात होती है कि वो लोग काफी ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगते हैं पढ़ाई करते समय, तो एक ऐसा टाइम सोचो जिस टाइम पे आपको डिमोटिवेट लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सुबह का टाइम पे काफी मोटिवेशन लगती थी और रात के टाइम पे काफी मोटिवेशन लगती थी, क्योंकि मैं बचपन से इन दोनों टाइम पे पढ़ाई करता था। तो सुबह के टाइम मैं आराम से पढ़ाई कर लेता था और रात के टाइम भी आराम से पढ़ाई कर लेता था, बचता था मेरा दोपहर का टाइम। तो मैंने क्या सोचा था, मैं दोपहर के टाइम पे PW की ऑर्गेनिक क्लासेस करूंगा जो कि यूट्यूब पे फ्री में डली हुई थी, तो मैं उनको देखता था दोपहर के टाइम पे, तो मेरे दोपहर का टाइम भी यूटिलाइज हो जाता था। ऐसी टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी, ये मेरी अलग थी आपके लिए अलग हो सकती है। आपको कौन सा टाइम पढ़ाई करना अच्छा लगता है उस टाइम तो ठीक है, मगर जिस टाइम आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आज के टाइम पे ज्यादा स्टूडेंट शॉर्ट्स या रील्स देखने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जिस टाइम पे आप ये शॉर्ट्स या रील्स जिस चीज देखते हो उस टाइम पे आपको कोई ऐसी चीज स्टार्ट करनी चाहिए जो आप आराम से देख सकते हो या फिर पढ़ाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई एनसीईआरटी के चैप्टर रीड कर सकते हो, जितनी ज्यादा बार एनसीईआरटी के चैप्टर रीड करोगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है। कोई भी जॉब आ चैप्टर रीड करो, जितनी बार एनसीईआरटी के चैप्टर रीड करोगे उतनी बार एक नया पॉइंट मिलता है, क्योंकि पुराने पॉइंट्स को स्किप कर देते हो और नया पॉइंट्स आता है तो आपके ब्रेन में क्लिक करता है। तो वो वाला टाइम ढूंढो जब नॉर्मली वेस्ट कर देते हो, उस टाइम पे कोई नई चीज स्टार्ट करो और उस चीज को फॉलो करते जाओ, वो चीज जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करो और फोड़ते जाओ। और हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैंने देखा है काफी सारे फ्रेंड्स इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर PW पे कोई चीज चल रही है, फिर अलग पार्टी कोई चीज चल रही है, फिर किसी और चीज पे कोई चीज चल रही है, अलग पार्टी अमन थत्तरवाल का क्लैश चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया में ये चीज हो रही है वो चीज हो रही है, ये सारी चीजों को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। उसने इसको ये बोल दिया, उसने इसको ये बोल दिया, इसको ये हो रहा है, ये सारी चीजों को आप छोड़ दो, ये सब चलती रहेगी। हमारे टाइम में भी चलती थी, आपके टाइम में भी चलती रहेगी। हमारे टाइम में कोई अकेडमी वाला PW ज्वाइन कर लेता था, आपको भी PW वाला वो ज्वाइन कर लेता था, वो सारे उन चीजें करते रहेंगे। आपको इन सब पे फोकस नहीं करना है, आपको अपना फोकस करना है नीट के एग्जाम पे। और सेकंड चीज, काफी सारे लोग स्नैपचैट चलाते रहते हैं, स्नैप की स्टोरी डालते रहते हैं, स्नैप का स्कोर बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें करके कुछ फायदा नहीं है। आपको मालूम है कि उतना ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। एक बार एग्जाम निकाल लोगे उसके बाद ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। ये चीजें वही की वही रहेंगी, थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी बट वही की वही रहेंगी। तो आप इन चीजों को थोड़ा स्किप करो, अपनी चीजों को प्रायोरिटी दो। अभी आखिरी का टाइम आने वाला है तो चीजों को प्रायोरिटी दो, कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीजों को करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। आराम से सोचो, फोकस रहो और फोड़ते जाओ। और जिन्होंने ड्रॉप लिए उनको मुझसे ज्यादा मालूम है, उनकी प्रिपरेशन काफी टाइम पहले से काफी बढ़िया चल रही है। अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, जिस मोटिव से आपने स्टार्ट किया था, जो मोटिवेशन आपके पीछे थी उसको कंटिन्यू रखो, अपने पुश को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ, आप जरूर फोड़ोगे। और हाँ, एक बात ये सभी के लिए रहती है, आखिरी की 3 महीने जरूर रखना रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना आपकी काफी बढ़िया हैबिट बन जाएगी, साथ में ओवरऑल शीट में भी बबल करने की आदत बन जाएगी। तो कोशिश करना कि आखिरी के 3 महीने आप रखते हो रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए। तो लास्ट ये बात करते हैं क्या रह सकती है कट ऑफ FMC की 2023 में। अगर पिछले साल के कट ऑफ को देखें तो बॉयज की कट ऑफ नॉर्मली रही है 615 मार्क्स से लेकर 620 मार्क्स तक, अगले साल भी इसी के अराउंड रह सकती है। वही गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का कट ऑफ पिछले सालों से काफी ज्यादा बढ़ रहा है, इस साल ये कट ऑफ 641 मार्क्स तक चला गया था, तो अगले साल भी कट ऑफ 635 से लेकर 645 तक बीच में रह सकती है। बट क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, बॉयज की बात करो या फिर गर्ल्स की बात करो, मिनिमम आपको 650 मार्क्स स्कोर करना चाहिए अगर आपको FMC में जाना है तो। FMC की स्टडी अटेंड करनी है तो मिनिमम आपको 650 स्कोर करना चाहिए, इससे ज्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो काफी बढ़िया बात है। देखो FMC एक टॉप कॉलेज है, तो अगर आपको टॉप कॉलेज में जाना है तो आपको मिनिमम 650 स्कोर तो करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो आपके इंटरव्यू में हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, तो अगर आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो प्लस पॉइंट है, बट मिनिमम कोशिश करना सेफ स्कोर 650 मार्क्स क्रॉस करने की। अगर आप ये सेफ स्कोर क्रॉस कर लेते हो तो आपकी स्क्रीनिंग एक तरीके से तय हो जाती है। अपने मॉक टेस्ट और अपने रिवीजन को इस तरह बनाओ कि आप ये स्कोर आराम से क्रॉस कर ले रहे हो। आपके साथ मतलब जल्दी किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को जरूर लाइक करो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक व्हाइट और ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जाके सब्सक्राइब कर दो। आपके साथ मिलता हूँ जल्दी, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।